क्या बानी पीटीआई इमरान खान इधर निकाह केस में आज रिहा हो रहे हैं? सियासत के ईवानों में हलचल मच गई। बानी पीटीआई इमरान खान को इधर निकाह केस में रिलीफ मिलेगा या नहीं? क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान की रिहाई से खौफजदा है? इधर निकाह केस में महफूज फैसला अदालत आज सुनाएगी, तमाम तर तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इधर निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर अदालत ने चंद रोज कबल फैसला महफूज किया था। साबिक वजीर आजम इमरान खान को केस में रिलीफ मिलेगा या नहीं, महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका इधर निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त सिर्फ इधर निकाह केस में ही अडियाला जेल में कैद हैं। बानी पीटीआई तोशाखाना और साइफर मुकदमा में पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस लाहौर रावलपिंडी फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमा में भी जमानत पर है। FIA रियासत मुखालिफ वीडियो ट्वीट करने पर बानी पीटीआई से दोबारा अडियाला जेल में तफ्तीश कर चुकी है। इस केस में बानी पीटीआई के खिलाफ ताहाल कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। फिलवक्त बानी पीटीआई के खिलाफ कोई और नया केस भी दायर नहीं हुआ। इधर निकाह केस में फैसला हक में आने की सूरत में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के इम्कान रोशन हैं। वाजह रहे 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मरीका ने इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्ला की अदालत से रुजू किया था और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दुराने इद्दत निकाह केस का मुकदमा दायर किया था। खावर मरीका ने दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया था कि दुराने इद्दत निकाह का मामला मंजरेआम पर आने के बाद दोनों ने मुफ्ती सईद के जरिए फरवरी 2018 में दोबारा निकाह किया था। खावर मरीका ने दरख्वास्त में इस्तदआ की थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब किया जाए और उन्हें आईन और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए।